इस लेसन में स्टार्टिंग पॉइंट चले, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमने तीन चीजें देख रही है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। ठीक है, ये तीन पॉइंट लिखे हमने, तो तीनों पॉइंट में तुम्हें एक चीज देखना है। पहला पॉइंट लिखा है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। दूसरे में क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर। तीसरे में क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इतना क्लियर है? तो जो ये तीनों कंडीशन लिखी है, ये पढ़ना नहीं है तुम्हें, ये पढ़ना नहीं है, यानी पेपर में अब कम पूछता है, लेकिन इनकेस मान लो एक आध नंबर का पूछ ले तो उसके लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला नियम था मेंडेलीव, पहला कौन था? मेंडेलीव, जो आवर सारणी के लिए फर्स्ट टाइम आया, जिसने स्टार्टिंग किसने की? मेंडेलीव ने की। तो मेंडेलीव ने अपनी जो भी थॉट बताई थी वो किस पर आधारित थी? एटॉमिक मास पर। फिर उसको उसकी थ्योरी में जो गड़बड़ थी या प्रॉब्लम थी, उस थ्योरी को डिफाइन करने के लिए एक मोजले नामक वैज्ञानिक ने उसको संशोधित किया कि जो जो कमियां थी, और उसी मेंडेलीव की कॉन्सेप्ट को और करेक्शन करके अपना सिद्धांत दिया। और से किस पर आधारित था? एटॉमिक मास पर। ठीक, फिर उसके बाद और साइंटिस्ट आए, बोर, अलग अलग टाइप के नील, चार साइंटिस्ट आए। चारों साइंटिस्ट ने जो लेटेस्ट टॉपिक दिया, उस लेटेस्ट टॉपिक में कहा कि एलिमेंट के जो आवर्ती गुण होते हैं वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर निर्भर करते हैं। तो इसे कहा गया मेंडेलीव, जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? एटॉमिक मास। मोलजे की आवर्त सारणी या आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी, इसको मेंडेलीव की आवर्त सारणी कहते हैं, इसको संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं, और इसको दीर्घ आवर्त सारणी। ठीक, कोई पूछेगा मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या है, तो किस पर आधारित है? एटॉमिक मास। संशोधित आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर, दीर्घ आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर, मेंडेलीव की आवर्त सारणी को ही बोला जाता है मेंडेलीव का आवर्त नियम। क्या बोला जाता है? आवर्त नियम मेंडेलीव का। और संशोधित आवर्त सारणी को बोला जाता है आधुनिक आवर्त नियम। कौन सा नियम? आधुनिक आवर्त नियम। तो अगर पेपर पूछते हैं आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आवर्त नियम का मतलब हमें मेंडेलीव के बारे में बताना है, और आधुनिक आवर्त नियम का मतलब मोलजे द्वारा जो प्रस्तुत किया था नियम उसको बताना है। क्लियर है? और लिखना क्या है? तो कॉमन लाइन है। लाइन क्या है? कॉमन। किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण, बस ये लाइन है कॉमन। किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन है। किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके एटॉमिक नंबर तथा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन पर निर्भर या फलन होते हैं। तो वन लाइनर ब्रीफिंग तुम्हें याद होना चाहिए, कम आता है, बट इन केस आ जाए तो एक लाइन दो लाइन उस लिखने के लिए तो रहे। तो पहला पॉइंट क्लियर है, ये कम चांस है, मतलब हम कह रहे हैं 10%, बट ब्रीफिंग होना चाहिए, अगर आ जाए तो हैंडल कर सकते। जो पेपर में यहां से आता है पेपर में, वो है तीन पॉइंट, ये तीन पॉइंट। पहला है तुम्हारा आईक्यू, जिसको बोलते हैं आईक्यू, और दूसरा है तुम्हारा ईए, और तीसरा है तुम्हारा ईएन, जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन टॉपिक है जिससे पेपर बनेगा क्वेश्चन, इससे बनने ही बनना है। ठीक है ना,
टॉपिक से एक नंबर दो नंबर फिजिकल बने बट बनेगा जरूर क्वेश्चन। तो आयनन ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, आयनन, आयनाइजेशन का मतलब आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब बंधुता, क्या होती है तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मक। ये तीन टॉपिक हैं जिसे तुम्हें कंप्लीट करना है, यहां तक क्लियर है। तो इन तीनों टॉपिक में पहला टॉपिक देख लें, ठीक है, पहले टॉपिक या भी शॉर्ट में लिख ले रहे हैं। पहला हमने लिख लिया, हम मान लो आई पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला मिटा देंगे, ठीक है। पहला हम पढ़ रहे हैं मान लो आई ई, अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं इसको, क्या पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल। फिर हमने मान लो पढ़ना है ई ए, और फिर मान लो पढ़ना है हमें ई एन पढ़ना है। मान लो ये इन तीन में से कोई एक क्वेश्चन आना है शॉर्ट में, ये मान के चलते हैं, और कैसा आना है थ्योरेटिकली। जो इस देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन तीनों में, एक आता है थ्योरेटिकली, एक आता है कॉन्सेप्चुअल। तो पहले हम थ्योरेटिकली वाले तीन क्वेश्चन देख लें, अगर थ्योरेटिकली आया तो यही आएगा, और कॉन्सेप्चुअल आया कंडीशन लगा के तो उसको फिर अलग से सीखना पड़ेगा। तो पहले थ्योरेटिकल पे कमांड बना लें। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल, इसकी एक डेफिनेशन और एग्जांपल, इसकी एक डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। तो इसके लिए ये एग्जांपल लिख लिया हमने, ठीक है, और इसको लिख लिया आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब है बिल्कुल, क्या है बिल्कुल, इसका सेंस समझाने के बाद में। गैसी एटम जानते ही हो, तो पूरा क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल गैसी है परमाणु, क्लियर। ये मतलब कोई हैलोजन है, क्या है हैलोजन, ऐसा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ये भी कैसी है आइसोलेटेड गैसीय एटम, शॉर्ट में लिख दिया हमने, यहां तक क्लियर है। एग्जांपल लिख रहे हैं इसके, यहां एग्जांपल लिख रहा हूं मैं HCl, क्या लिखा HCl, क्लियर है, ठीक। HCl में ये क्या कौन सा बॉन्ड है, सब जानते हो, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहां दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को कौन से इलेक्ट्रॉन देंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, साझेदार इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, यहां तक क्लियर है। ये तीनों के एग्जांपल लिख दिए हमने, तीनों के क्या लिख दिए, अब डेफिनेशन यूज कर लें, एग्जाम्पल हिट कर देना है, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन इसी से हिट करेंगे, ये कौन है बिल्कुल गैसीय परमाणु, देखिए पहला थॉट इसमें हो क्या रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या हो रहा है निकल रहा है, दिख रहा है ना, यहां पर क्या हो रहा है बिल्कुल गैसीय परमाणु, और यहां क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, याद भी है देखा, ठीक है। तो पहले इसको देख लें, किसी बिल्कुल गैस, अच्छा एक चीज डेफिनेशन बोलने से पहले, यहां निकल रहा है यहां जुड़ रहा है, तो यहां हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए,